जुगर जुगटल, जुगर जुगटल अरशां ते फरशां दे मालक, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र निघी गोद विच जुड़ बैठी हुई साध संगत जियो, दासां दी ते अपनी लवावो हाजरी मुख करो पवित्र गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बाला समा नहीं लैना, मिनट केवल पांच चार च सारी गल मका दूँ। बहुत सोहना बच्चे दे भी मेरा चरणा ते सिर चुकदा है, क्योंकि असी हर पल हर घड़ी गल ये करदे हां कि धर्म की कमाई करिया करो। पर मैं एक उदाहरण दिना हूं बई तिरंगे दे विच देश दी सरहद ते लड़दा फौजी शहीद हो जावे उहदा सफल जीवन है। एक औरत दा संस्कार ते उहदी अंतम क्रिया सहुरिआं दे घरे हो जाणी एक फौजी दी न्याई है, ते साडा कुड़ती विच संस्कार हो जाणा साडा भी सफल जीवन है। सो मेरी एक बेनती है कि सच जाने जे मनुख की मिलनी विच फर्क ना होवे ते फिर गुरु के चरणा च सिख दोनों वक्त अरदास करके ये मंग ना मंगे कि दात्या सही प्यारे मेल जिन्ना दे मिलिया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। इहदा मतलब मिलनी विच फर्क है ना, ये तो बाणी का फैसला है। महाराज कहिंदे जिनके चित कठोर हैं से बहे ना सतगुर पास, जिन्हां दे हिरदे कठोर हो जाण वह गुरु दे पास नहीं बैठते। सो मेरा इस परिवार नाल इस नगर नाल सेवा दी मिसाल जो मैं सुनिया भी माता जी 2.5-3 साल बैड ते रहे, बैड ते रहे ते उन्हां दा सारी जिहड़ी सेवा सी पुलिस मुलाजम सज्जन कहिंदा हाथ जोड़ के कहिंदा मेरे भाग चंगे बाबा जी गुरु साहब ने मैनू सेवा बख्शी। ते मैं सेवा दे प्रथाए बड़े शब्द वरतदा हुन्ना, सेवा है थोड़े जे 3 अक्षरां दा शब्द है पर सेवा कीती सी जिन्ना जिन्ना ने उन्नू उजड़ना पिया ते फिर सेवा दा लेवल लगदा। गुरु रहमत करे धन सच्चे पातशाह। मैं माफ़ी मंग लैनी चाहुंना जे मैं काजी बन के बांग ना दित्ती फिर मैं काजी भी कादा होया, मैं कुड़ती पा के जे सच दा होका ना दित्ता ते मेरी कुड़ती पाउण दा भी की फायदा सी। इस परिवार दी तुसीं अज पहले दिन सुणोगे मेरे ते एड्डी वड्डी एक नेकी होई जिहदे प्रथाए मैं ये सोच लैंदा कि मैनू सचखंड जाण दी लोड़ नहीं। मैं इस नगरी च इन्हां इलाकियां च जदों विचर जाणा तो मैनू सचखंड दे दर्शन हो जांदे, मैनू स्वर्गां दे दर्शन हो जांदे, मैनू मान सरोवर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरणां च आप जैसे हंसा रूपी जदों बिरती लै करके बैठे हो मोती चुकदे हो तो मैं तुहाडे च बह के मोती चुक जाना। गुरद्वारा सोमासर साहिब सानेवाल अपना सोमासर टिब्बे एक बच्चे ने कुताही कर ली, 13 साल का एक अनाथ बच्चा मैं पालिया। उत्थे एक बीबी ने पोचा लाया तो फरनैल जिहड़ी सी उहने ना जिथे लंगर वरताई दा सी उत्थे रखती बाल्टी। जिहड़ा मैं 13 सालां दा बच्चा पालिया सी उहने दुध समझ के ते उह बच्चे ने पा के खंड ते उह पीली फरनैल, उह फरनैल पीली ते मैनू उह राजवंत दे दाखिल करवाउणा पिया। कुछ सज्जन जिहड़े गुरु घरां दे दुखी हुंदे ने उह वी मगरे किते पहुँच के मैनू नहीं पता, उन्होंने जाके उत्थों गुफ्तगू कढ़ी कि शायद बाबे ने यह बच्चा मार देना। पर उत्थे अश्विनी कुमार उदों थानेदार हुंदे सन, ये सहायक थानेदार नाल हुंदे सन, अजकल वो विजीलेंस च लुधियाने ड्यूटी कर रहे हैं, इंटैलीजेंसी च मेरा ख्याल विजीलेंस च बहुत प्यार करदे मेरे नाल। मैनू उन्हां दी कॉल आई, मैं कहा जी जिवें आप जी नूं ठीक लगता कर लो। जदों उन्होंने सारा कुछ देख दिखा के कर लिया कहिंदे बाबा जी ते गुरु नानक दे घर दे सेवा दे सेवादार दे उत्ते पहाड़ सट्टण वाली गल है। मैं कहा जिवें तुहानूं ठीक लगता तुसीं कर लो।
सो मेरे कहन तो भाव मैनू कोई पता ना, वो सारी मेरी तहकीकात करके तो मैनू क्लीन चिट दुध वर्गी दिती गई। तो मेरा फिर इस माँ के चरणों पर सिर चुकदा है कि जे इस माँ के कुखों जने हुए पुत सानू बगानियां नू अपने बना करके तो फिर तो साढ़े तो भावें गुरु घर दियाँ सोने दियाँ कंधां करवा लवो, जिन्नी मर्जी सेवा लै लवो, तो जिहड़ा साडा संबंध है सेवा दे नाते है, गुरु पातशाह कृपा करन सतगुर रहमत करन असी सेवा दे मार्ग दे पांधी बने रहीए। तो ऐसी मावां दे कुखों जने हुए परिवार जिन्हां दे मैं पोतरे नू सुन के मैं हैरान रह गया। हुण मुकर सारिया ने जाना है, एक गल समाज बड़ी कहिंदा वी पुलिस वालिया दे घरे इन्हां दी कमाई ऐसी वैसी हुंदी, इन्हां दी औलाद जिहड़ी ओह उन्हां दे घाटे पूरे करदी, उन्हां दे विच्चों आउटपुट हुंदी है। पर सच जाने जिहड़ा मैं बच्चा वेख्या, मैं इन्हां धन सच्चे पातशाह गुरु कृपा करे ऐसे बच्चिया ने जिन्हां ने अपने दादी दे प्रथाए आप उपदेश दिता, तो फिर उन्हों का कद वड्डा है, तो मेरा इत्थे कद छोटा है। गुरु रहमत करे सच्चे पातशाह सेवा सिमरन वाला जीवन बनाई रखन। इस नगर के जवाई बनूड थाने च लगे हुए जुगराज सिंह SHO मोहन सिंह महंता के परिवार का इस नगर का वो जवाई है। उन्हें मेरे प्रेम प्यार करन ते एक मैनू सज्जन सेवा च दिता, उन्हें कुर्ती पवाई हुई है, मेरे नाल लैके आया मैं मिसाल वास्ते। एक महीने का 11,000 रुपया नाले सेवा च दिंदा, नाले सेवा करदा, तो सारा परिवार इन्हों का कनेडा च। सो मेरे कहन तो भाव वैराग बिना बंदगी नहीं हो सकती, त्याग तो बिना सेवा नहीं हो सकती, जज्बात तो बिना अपनी आबरू तो इज्जत नहीं बच सकती, जिहड़ी इस नगर की बहुत वड्डी देन है। जे सच भी बोलना होवे ते जे गटियां च जान होवे सच तां बोलिया नहीं जांदा, नहीं तां बोलिया ही नहीं जांदा। जिहड़ा गगन जी सरपंच साहब ने ते मैं गरचा जी कह दिंदा, मेरा ख्याल तेजवंत उन्हां दा नाम है, इन्हां ने भी जिहड़ा मैनूं प्यार सत्कार सेवा दे रूप च दित्ता, सतगुर कृपा करन सारिया नू कीती कराई हुई सेवा दा फल बख्शिश करन। आओ हुण आपां टिकट भी नहीं लैनी ते ट्रेन ते भी नहीं बहना ते कमरे लैण दी लई सिफारिश भी नहीं कराउणी। आओ आपां माता जी दे निमित हुण सचखंड चलीए ते हाजरी लाइए 5 मिंट दी, करिओ कृपा सारी संगत जी। दास सचखंड श्री हजूर साहब गुरद्वारा लंगर साहब दा सेवादार होण दे नाते महापुरख बाबा नरेंद्र सिंह ते बलविंदर सिंह जी दी हाजरी जाण के प्रवान करिओ। आओ चलिए सचखंड 5 मिंट वास्ते जी, माता जी दे निमित सच्ची ते सुच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, करो कृपा सारी संगत। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, करो कृपा करो कृपा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, करो कृपा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम।
सात नाम वाहे गुरु, 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 नाम वाहे गुरु, सात नाम वाहे गुरु। इस संसार विच विचरदिया होया माता हरजीत सिंह हरजीत कौर जी तो, पत्नी स्वर्गवासी सरदार करनैल सिंह जी तो, जाने अनजाने कोई भुल कोई त्रुटि रह गई होवे गुरु पातशाह ना चितारदे होए उन्हां नूं अपने चरणा च निवास बख्शिश करन ते पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करन। टहल सिंह, पवित्र सिंह ते लखविंदर सिंह एक स्वर्गवास हो गए बेटे, इन्हां दे गुरु पातशाह कृपा करन, सतगुर रहमत करन। बहुत बहुत धन्यवाद जितनी भी संगत आई सारिआं दा जी आया, एक एक कदम परिवार दे सिर मत्थे ते कहिंदे हाथ जोड़ के सानू बेनती अगे हो के खड़ के ना करनी पवे, स्टेज तो ही प्रवान करो कि गुरु का लंगर पानी छके बिना कोई भी प्राणी ना जावे। समुची संगत ने लंगर पानी छक के जाना है। सरदार संतोख सिंह जी निम वाले ढाबे वाले जिहड़े, मैं अश्विनी कुमार जी की गल की है, वो इन्हां नाल भी बहुत प्यार रखते हैं ते मेरे नाल भी बहुत प्यार करते हैं। सो गुरु रहमत करे, सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन। बाबा दर्शन सिंह जी जिन्ह ने बहुत निम्रता दे रूप नाल तिल फुल दे लई गुरु नानक दे घर दे लई दशमेश पिता दे अस्थान दे लई सेवावां दर दर ते जाके नाल मंगियां, ये बड़िया औखियां ने गुरमुख, मंग मंगा के फिर हक छड़ देना मिंट च भी साडा ते इहदे ते हक ही नहीं, ये वड्डियां भागां तो बिना सेवावां नहीं मिलदियां। सो सारियां संगतां दा धन्नवाद जी आया, बहुत बहुत कृपा कीती मैनू सेवा ते सिमरन दे मार्ग दा पांधी, तुहाडे प्यार तुहाडे सत्कार ते सोने वर्गे तुहाडे विहार ने मैनू बना करके रख्या है। सारी संगत दा धन्नवाद जी आया, गज वज के लवावो हाजरी ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरी बेनती सरदार सतविंदर सिंह जी झज कनेडा तो, उन्हां दा मैनू कल फोन आया सी, वह भी परिवार नाल संबंध रखदे ने, वह कहिंदे सी साडी भी परिवार च हाजरी जरूर लवा दिओ। सरदार सतविंदर सिंह जी, मैं तुहानू अणखी झज कहिंदा हुन्ना, मुंडा टोरंटो रहिंदा कनेडा, उहदा परसों मैनूं फोन आया सी परिवार च हाजरी लवायो, प्रवान करिओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे माता जी दे अंतिम अरदास विच शामिल होईयां सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, अते मेरे वल्लों प्रेम भरी सत श्री अकाल। तुर दुरगाहे इंसान दे कीते होए चंगे ते माड़े कर्मां दा लेखा हुंदा है, अते सिर्फ चंगे कर्म ही इंसान दे सहाई हुंदे हन। माता पिता दी सेवा बारे भाई गुरदास जी ने वारां विच चर्चा कीती है, जो आप सब दे सन्मुख करन दी इच्छा रखदा हाँ। भाई गुरदास जी, वार 37 पौड़ी 13। माँ प्यो पर हर सुणै वेद भेद ना जाने कथा कहानी, अर्थ मापियां दी सेवा त्याग के धार्मिक पुस्तकां पढ़दा फिरे, फिर उना दे भेद नहीं जान पाउंदा। माँ प्यो पर हर करे तप वणखंड भुला फिरे बिबाणी, मापियां दी सेवा त्याग के जंगलां विच तप करदा फिरे, जे उस इंसान तो उसदे माँ प्यो ही सुखी ना होए तां उह बियाबान दे विच ठोकरां खांदा फिरदा है। माँ प्यो पर हर करे पूज देवी देव ना सेव कमाणी, माँ प्यो दी सेवा छड़ के जेड़ा इंसान तरह तरह दी पूजा करदा फिरदा है, देवी देवते भी उसदे कीते यतना नू कबूल नहीं करदे। माँ प्यो पर हर नावणा 68 तीरथ घूमण वाणी, अर्थ माँ प्यो नू छड़ के कोई 68 तीर्थां ते इशनान करदा फिरे, ओदे लई घूमना फिरना ते है पर तीर्थां ते इशनान करन दा कोई फल नहीं मिलदा, क्योंकि ओदे ते घर ही तीरथ सी। माँ प्यो पर हर करे दान बेईमान अग्ञान प्राणी,
मापियां दी सेवा त्याग बेईमान इंसान अनेक प्रकार दे दान पुन करदा है, परंतु ए पेद नहीं जानदा कि मापियां नू छड़ कीता दान कोई भी लेखे नहीं लगदा। माँ प्यो पर हर वर्त कर मरमर जम्मे परम पुलाणी, माँ प्यो दी सेवा नू त्याग के कोई पुरख वर्त रखे ओ मरण जन्म दे गेड़ विच ही जकड़िया जांदा है अते हमेशा इसे चक्कर विच भावदा रहिंदा है। गुर परमेसर सार न जानी ते गुरु परमात्मा भी उस मनुख दी सार नहीं जानदा। सो हे सात संगत जियो, असी इहो जिहे कुकरम क्यों कमाईए जिन्हां दा उस गुरु परमेसर दी कचहरी विच कोई नबेड़ा ही नहीं हुंदा। मापियां दी सेवा नू अपना धर्म समझिए अते चंगे कर्मां दे सहाई होइए। जदों भी बच्चे कोई उपलब्धा हासिल करते हैं तो उन्हां दे मापे साख संबंधियों कोल उन्हां दी प्रशंसा करते हैं, पर जिंदगी दे सफर विच कोई ज्योंदे जी अपने मापियां दी प्रशंसा नहीं करता। कोई कोई विरला इंसान जरूर हुंदा है जो मापियां दे त्याग नू सदा ही याद रखते हैं। मैं अज तीक ये तां बयान नहीं कर पाया कि मेरे मन विच अपने मापियां प्रति किन्ना क आदर है, पर एक छोटा जिहा जतन जरूर करना चाहुंदा हाँ। जिंदगी विच विचरण दी जाच इंसान लुकाई तो सिख लैंदा है, पर रिश्ते निभाउण दी जाच मापियां तो ही मिलती है। बच्चियां नू चंगी सिक्ख्या देण लई केवल एक चंगे माँ प्यो दे फर्ज निभाउणा ही काफ़ी नहीं। एक चंगा पिता सिर्फ ओ नहीं हुंदा जो बच्चियां दी हर खुशी पूर्ण करे, बल्कि ओ है जो एक चंगा पिता होण दे नाल नाल एक पुत दे फर्ज भी बाखूबी निभाए, क्योंकि बच्चे तिवें दे कर्म करदे हन जिवें दे ओ अपने मापियां नू करदे वेखदे हन। इसलिए सात संगत जी बहुत लाजमी हो जाता है कि एक बाप पुत्र होने के फर्ज भी बाखूबी निभाए ता जो उसकी संतान नू सोझी आ सके कि उन्हों का असल फर्ज की है। तिवें ही एक चंगी माँ सिर्फ ओ नहीं जो माँ होने के फर्ज निभाए, परंतु ओ है जो एक चंगी माँ दे नाल नाल एक चंगी नौ ग्रहणी अते ती भी होवे, क्योंकि अपने माता पिता नू वेख ही अगों ती नू रिश्ते निभाउण दी जाच आवेगी। ते अज मैं माण नाल ये कह सकदा हाँ कि ये गुण मैनू अपने माता पिता विच मिले। कदे नहीं पाया, कदे कह नहीं पाया, पर अपने माता पिता नू ये फर्ज निभाउंदे वेख बहुत ही माण महसूस होया। उस परमात्मा अगे यही अरदास है कि सदा चंगे कर्म करवाउंदा रहे। ते अज मैं सब नू यही कहना चाहुंदा हाँ कि जे किते मैं जिंदगी विच 10% भी पुत्र अपने पिता वर्गा बन गया तो मैनू इंज जापेगा कि जिंदगी सफल हो गई। जेकर मेरे तो कोई भुल चुक हो गई होवे तां अणजाण समझ के माफ़ करना। आईया हुई संगतां दा धन्नवाद हुण बाबा गुरदेव सिंह जी करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।